लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज हमारे इधर गांव में फ्राइडे का सरसों का सब्जी बना रहे हैं, वो भी ये मामा जी खूंट रहे हैं। मैं और मेरे मामा जी दोनों जा रहे हैं। ये देखो सरसों की सब्जी सर, बहुत शानदार बनती है खाने में, शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत अच्छी बनती है। आप भी खा के देखो एक बार जरूर। पान के डालो सब्जी यार। ये देखो हमारे इधर ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पान नहीं चलेगा सब्जी। ये हमारे इधर सब्जी यार लो, ये नहीं चलेगा। तो कौन चलेगा? ये हमारा पत्तों की सब्जी बना रहे हैं, सरसों की सब्जी बना रहे हैं। सरसों के पत्तों की सब्जी, पत्तों की सब्जी बहुत शानदार बनती है सर। आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी ट्राई करो एक बार, बना के देखो या खा के देखो। पेट के लिए बहुत ये स्वस्थ स्वस्थ अच्छी होती, पेट की कब्ज के लिए जो कब्ज आती है, तो इसकी सब्जी बहुत शानदार बनती है। कभी अवसर मिले तो आप भी बना के देखो। इसको छोटी छोटी बारीक में कूट के इसको पहले काट के, पहले ये पत्ते खूंटने हैं, फिर इनको काटने हैं, फिर काट करके इनको गर्म पानी में डाल करके उबालने हैं, फिर ये नरम हो जाएगा एकदम। उसके बाद में बाहर निकाल के लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा, राइस, अलद, ये सब डाल करके, तेल डाल करके या घी डाल करके, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो बनाओगे तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। सब्जी के लिए सरसों का पान का सब्जी बना रहे हैं हम लोग। आपको भी अगर खाने का विचार विमर्श हो तो हमारे गांव पधारो, आपको सरसों की सब्जी खिलाएंगे निःशुल्क। सरसों की सब्जी बनाने के लिए सरसों लाए हैं सर, चलो ये सरसों के पान लाए हैं और सरसों के पान को अभी ऐसे एकदम झीणे झीणे इसको कट करने हैं। कट करके फिर पानी में बॉईल करेंगे इसको और उसके बाद में इसकी सब्जी बनेगी। एकदम झीणे झीणे इसको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, छोटे टुकड़े करने के बाद में इसकी सब्जी बनेगी। आगे का प्रोग्राम आपको दिखाया जाएगा। गाय का देसी घी डाला है, फिर ये इसके अंदर मैंने मिर्ची और लहसुन दोनों काट करके डाली है, और मिर्ची और लहसुन दोनों काट करके डाल दी है अभी मैंने इसके अंदर। और इसके अंदर मिर्ची लहसुन डालने के बाद में 2 चम्मच राई डालना है, ये मैंने 2 चम्मच राई डाल दी है। फिर इसमें 2 चम्मच नमक डालना है, ये मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है। फिर इसमें 2 चम्मच हलद डालना है, ये मैंने 2 चम्मच हलद डाल दिया है। अभी इसको फुल गर्म करने के बाद में 2 चम्मच रेड मिर्ची डालनी है, ये 2 चम्मच रेड मिर्ची डाल दी। अभी इसको मैं फुल गर्म करूँगा, उसके बाद में सरसों के पत्ते डालूँगा। इसको फुल गर्म करना है, उसके बाद में
सरसों के पान डालने हैं जो इसमें उबले हुए पड़े, ये देखो इसमें उबाल के रखे हैं पानी के साथ में, इसको बाद में डालेंगे। और ये थोड़े दाने डाले इसमें, वो भी डालने अंदर। सरसों के पत्ते उबाल करके अंदर डालने हैं, इसके अंदर उबले हुए हैं, इनकी सब्जी बहुत शानदार बनती है। ये देखो सब ऐसे डालने हैं इसके अंदर, और फिर मिक्स करनी है इसको, ऐसे गर्म पानी में उबालने हैं इसको, और उबालने के बाद में इसमें डालने, इसकी सब्जी बनेगी। काम हो रहा है।